नहीं चल रहा। जैसे मान लिया मुझे साइटिका का दर्द था, अब तो कम कम रहता है, लेकिन दर्द था तो मेरा जब भी कोई हाथ भी लगाता था तो वो बढ़ता था ना कि घटता था, क्या होता था? बढ़ता था। एक बात दूसरा, आपके शरीर में क्या हुआ मेरे भाई, ये बताइए। छोड़ दो वो तो बैक की बात, बाद में छोड़ दो, बाहर में जाए डॉक्टर है, डॉक्टर का L4 L5 यही कहूँगा ना है। अभी तो मेरे सामने खड़ा है, दर्द बता तू मेरे को कहाँ है। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया क्या उसमें? इंजेक्शन लगा दिया, ऑपरेशन कर दिया, क्या कर दिया? एक बार तेरे पैर में दर्द का चोट लगी, ठीक है, लेकिन दर्द बंद नहीं हुआ डॉक्टरों की दवाई से? नहीं हुआ। फिर आप जब दर्द बंद नहीं हुआ डॉक्टर के गए, डॉक्टर के बारंबार जाते रहे, आखिरकार डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके पैर में रोड पड़ गई थी, यही ना? दर्द फिर भी बंद नहीं हुआ, डॉक्टर ने कुछ अन्य दवाइयाँ दी लिख के, उनसे भी आपका दर्द बंद नहीं हुआ, बोलो हाँ के ना? फिर आपने डॉक्टर को पूछा, फिर डॉक्टर ने कहा फिलहाल हम दानियाँ लगा देते हैं या कुछ ऐसा प्रबंध कर देते हैं जिससे आपका सिस्टम ठीक हो जाए, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं हुआ, दर्द है जितनी रहा आपको, वो काम होने के बाद भी, वो ऑपरेशन होने के बाद भी, बोलो हाँ के ना? पैर उठाओ जय शनिदेव, बोलो दर्द बोल रहा कहाँ है, कहाँ गया? पैर पे हाथ भी लगाया मैंने, बोलो हाँ के ना? महसूस तो करते हो ना सब कुछ? देखूँ मैं कहीं पागल तो नहीं हूँ? आप आँख बंद करना, मैं तो अपना काम कर लूँ ना। कौन से बटन को मैंने छुआ? बोले शनिदेव महाराज की। मुझे ये पता चल गया ये पागल नहीं है, ये अपने शरीर का एहसास कर सकते हैं। एक बात, इसका मतलब आपके घुटने का दर्द बिना छुए गया ये आपने आपके शरीर का एहसास कर लिया। अब डॉक्टर में और मनु भैया में जमीन से आसमान का फर्क है। डॉक्टर जो है वो पाताल में दशा हुआ, पाताल में कैसे दशा हुआ है कि रोग का पता तो है नहीं और दवाइयाँ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? दवाइयाँ दे रहे हैं। एक भैया, इतनी सी एक तरंग है वो आपके शरीर में काम कर रही है, वो आपको जहाँ बैठेगी वही दर्द बढ़ा रही है, वो आपको रम गई है, उसने आपको खोज लिया है, अब वो आपके शरीर से जाना नहीं चाहती है, ठीक है ना? इस ना जाने के लिए तो आपको आना पड़ेगा। अब देखिए जहाँ वो बैठती है वहीं कान में लंबा फूक लगाऊंगा, वहीं जाएगी। डॉक्टर ने आपके बहुत सारे पैसे इस काम के लिए खा लिए हैं, क्या कर लिए हैं? आप देखिए जब से आपको चोट लगी है तब से दवाइयों का, होगा ना इतना? ढाई लग गया। चलिए कौन से हॉस्पिटल में लग गया बताइए जरा? मैंने यहाँ दिखाया था ज्योति में। हाँ, ये कहाँ है? हाँ, कोटपुतली में ऑपरेशन कराया। यहाँ को अगर यहाँ कराते 3.5 था, मतलब मेरी एवरेज ठीक थी, 1,00,000 रुपये फालतू लगना था कि नहीं लगना था? फिर नहीं आया सर, मतलब मनु भैया ऐसे तो कहते नहीं है, इसका मतलब एक रिसर्च मनु भैया की है कि डॉक्टर जो है वो अन्याय कर रहे हैं बिना जाने कि रोग का मूल क्या है, रोग को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनसे होता नहीं। तेरे दर्द में ये कह रहा हूँ, डॉक्टर 5,000 वर्ष तक, पूरे वर्ल्ड के सारे डॉक्टर 5,000 वर्षों तक अगर आपके सारे टेस्ट करते हुए आपको पैसे से कंगाल करते हुए लगे रहे आप पे रिसर्च करने, तब भी आपके दर्द ठीक नहीं कर सकते। तो मैं देख रहा हूँ 3 साल से देख रहे हैं, दर्द लगातार हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है शरीर में, कहीं ना कहीं घट रहा नहीं है। अब जब वो दर्द आपकी कमर में आ गया तब डॉक्टर ने कहा आपकी L4 L5 दब रही है, इसका मतलब कमर में जब भी दर्द होगा डॉक्टर ने यही दो नाड़ियाँ बता दी हैं, L4 L5 दब रही है। दर्द हो ससरा पेट से, डॉक्टर का बेटा फुप्पा अंदर आए ना, समझ में? डॉक्टर की बुद्धि काम को ना कर रही, डिग्रियां फ्री की हैं, फालतू की है, पैसों में मिल रही हैं, रिसर्च से नहीं मिल रही हैं। जो रिसर्च करेगा वही तो जानेगा आदमी के मूल को, ठीक है। अब शरीर आपका है, काट डॉक्टर रहा फ्री में, भाई क्या अधिकार है उसका? जब उसका रोग आपको नहीं था उसने काटा क्यों? मतलब प्रत्येक चोट का ऑपरेशन इलाज है क्या? चोटें अपने आप ठीक होती हैं कि नहीं होती हैं? एक, आपको चोट लगी थी, चोट में दर्द था, तभी आपने ये काम कराया, बोलो हाँ के ना? अगर आपकी चोट में दर्द नहीं होता आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता, नहीं तो फिर दर्द तो झूठा था, मैंने अभी निकाल के दिखा दिया। अभी है दर्द, कहाँ गया? कमर का दर्द, पैर का दर्द, L4 L5 और वो घुटने का दर्द जिसका ऑपरेशन हो लिया आज तक नहीं गया। आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है?
कहाँ तक पढ़े हैं? 12वीं पास है। अपने शरीर को तो कोई भी आदमी जानता है, चाहे वो 10वीं पास हो चाहे पास ही ना हो। आप अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चों को पालन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप चाहे 12वीं पास ना हो, इसका मतलब आप जो है बुद्धि रखते हैं, विवेक रखते हैं, समाज में ठीक से में रहते हैं, सभ्यता से बात करते हैं। तब आप में क्या कमी आई? आपका तो कोई दोष नहीं है। अब हमारे समाज का दोष है। समाज का क्या दोष है कि मनु भैया को तो कहेंगे अंधविश्वास फैला रहा है, और कमीने उसको नहीं कहेंगे कि आप डॉक्टर पे अंधा विश्वास कर रहे हो, गधों की तरह आंख बंद करके पढ़े लिखे होने के कारण। बोले हम पढ़े लिखे घंटा टट्टू, तुम्हें नहीं आता कुछ भी, तुम तो ऐसे हो गए जैसे टट्टी खा के आदमी बैठ जाता है। कैसे हो गए? कि डॉक्टर ने आपका जब ऑपरेशन किया आपसे साइन कराए कि नहीं? बोलो हाँ के ना। क्यों करवाए? इसका मतलब डॉक्टर को विश्वास नहीं है। अगर आपका कुछ बिगड़ जाए आप डॉक्टर पे केस ना कर दे, इसलिए डॉक्टर ने पहले ही साइन करा लिए। एक पैसे भी ले रहा है। आपने ये कहा डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे कम है, मैं आपने ऑपरेशन कर दिया आधे पैसे दूंगा, आपकी छुट्टी कर देगा? लड़ेगा ना? क्यों लड़ेगा भाई? पूरे पैसे तो उसके बाद डॉक्टर को तो घंटा भी विश्वास नहीं आप पे। आए ना समझ में? पुराना मानना मेरी भाषा कड़वी जरूर है, लेकिन मैं समाज को सिखाना चाहता हूँ। समाज इसी भाषा को मानता है, इसी भाषा को सुनता है। समाज कमी ना हो चुका है, आगे ना। आप उस पे अंधविश्वास कर रहे हो, ये अंधविश्वास है, और कोई अंधविश्वास नहीं होता। भगवान का नाम अंधविश्वास है क्या? मैं 20 साल से ले रहा हूँ तब ये काम करके दिखा रहा हूँ दुनिया को, अंधविश्वास है भगवान का। बताइए आज आपको क्या लगा मनु भैया में और डॉक्टर में कितना अंतर है? क्या आपके मैंने करोड़ों रुपए खर्चवा दिए? क्या आपके मैंने बहुत सारे टेस्ट करवा दिए? तो मैंने टेस्ट कैसे किया? और मैंने एक मिनट में आपको यही बात कैसे बता दी ना सारी जो का तो जो आपको हुआ, आपके पैसे तक कितने खर्च हुए ये तक मैंने बता दिया। अब आप राज्य बदल के ऑपरेशन करा के आएंगे तो भाई कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। सुनिए मैं बताता हूँ, एक इंजेक्शन 20,000 का आता है। ये डॉक्टरों की आंखों में इतनी भी शर्म नहीं है, इतना कमी ना पाना, इनकी आंखों में इतना जहर भरा हुआ है। उस 20,000 के इंजेक्शन को 1.5-1.5 लाख का लगाते हैं, कोई उसी इंजेक्शन को 2.5 लाख का लगा रहा है, कोई 1.5 लाख का लगा रहा है, कोई 31,000 का लगा रहा है, कोई 21,000 का लगा रहा है। इतनी भी शर्म नहीं है, इतनी भी हया नहीं है इस चिकित्सा के शक्ति के अंदर। आए ना समझिए? अरे भाई कितना भी लूट के खाए तो भी आयुर्वेद आपका 20-25,000 से ऊपर खर्चा नहीं करा सकती। लेकिन अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता, एक रामदेव बाबा आ गया वो लाख लाख रुपए ले रहा है, आदमी के हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो भी नहीं जान रहा कारण क्या है आयुर्वेद का। मेरे पास लोग आ रहे हैं लुट के पिट के हट के, सब कुछ बिक रहा है उनका। ये गरीबों की हाय लेके कहाँ जाएंगे मुझे समझ में नहीं आता। ये भूत बनेंगे इनको कौन निकालेगा भाई? छोटे छोटे भूतों को तो मैं निकाल दूंगा, तो बड़े भूत बनेंगे। जितना बड़ा धन खाएंगे बड़े भूत बनेंगे, लोगों का पैसा चाटेंगे बड़े भूत बनेंगे, ठीक है, लोगों को धोखा देंगे छल करेंगे लोगों के साथ, कैसे भूत बनेंगे? और बड़े भूत को मनु भैया नहीं निकालते हैं, ऐसे भूतों को कबीरा भी नहीं निकाल देंगे। जो जितना छल करेगा समाज में उतना दुख भी पाएगा। यमराज की कढ़ाई तैयार है, आगे ना, किस टाइम किसका बुलावा आ जाएगा पता नहीं चलता। मैं कल मर जाऊं लेकिन तेरे माध्यम से मैंने अपनी बात समझा दी है। ये संसार जान ले, आने वाले 25 साल के बाद लोगों के अंदर प्रेत ही प्रेत होंगे और इसी से सारे युद्ध होंगे। आए ना, सबके दिमाग पे चढ़ जाएंगे, अपने काम कराएंगे और गुस्से में रहेंगे 24 घंटे, जैसे आज का युवा रहता है, आगे ना। उनको क्रोध नहीं आता, प्रेत चढ़े बैठे हैं, निगेटिविटी है। लड़कियों की जो 3-3 शादियां हो रही है वह इसलिए हो रही है कि अंदर निगेटिविटी है। मैं करके दिखा सकता हूँ बकायदा, आगे ना। कुछ भी नहीं तो भारत की सरकार अपने पढ़े लिखे 1,000 लड़कों को 1,000 लड़कियों को इकट्ठा कर ले, मैं फूंक मारूंगा, ठीक है, और गारंटी लेता हूँ शनिदेव महाराज की, अगर उनमें से 100 बच्चे ना गिर पड़े जमीन पे तो चक्कर खा के, तो मेरे को बता देना, गिरेंगे भी और चीजें खेलेंगे भी, और मैं बताऊंगा भी इनको क्या क्या होता है। और बोलो, बीमारियां बताऊंगा इनको क्या क्या बीमारियां लगी हुई, हाथ पकड़ के ही बता दूंगा। आए ना समझ में? ये होती है रिसर्च, ये आध्यात्मिक रिसर्च है, ये बिना पैसे की रिसर्च है। इसमें समय दिया गया है, लेकिन इस समय के बदले मुझे आज दुआएं मिल रही है। क्या मिल रहा है? दुआएं मिल रही है कि नहीं? आपने आना है, ये मत समझना आप ठीक होंगे। आए ना समझ में? ये पहला आपको झटका दिखाया मैंने, आपने आना है, आप बिल्कुल ठीक होंगे। ऐसे ये मत पूछो मुझसे कितनी बार, मैं नहीं जानता, आते आते आपका तत्व खत्म हो जाएगा मेरे लिए तो रोज। बोलो शनिदेव महाराज।
सच्चे दरबार की जय। सबसे अच्छे दरबार की जय।